हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान में कैसा रहने वाला है मौसम। और आज राजस्थान के श्रीगंगानगर से लेकर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से लेकर अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, जोधपुर से लगाकर नागौर के कई इलाकों में और कोटा संभाग के कई इलाकों में दोपहर के बाद अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और कई इलाकों में तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि तो कहीं कई इलाकों में आंधी की गतियों के देखने को मिल सकती हैं। ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, सर्वप्रथम बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की बात करें तो पश्चिमी जैरदार के प्रभाव से और एक सर्कुलेशन वर्तमान में देखा जाए तो उत्तरी अरब सागर के आसपास बना हुआ है, जिसके प्रभाव से लगातार नमी राजस्थान के कई इलाकों में पहुंचती हुई नजर आएगी, जिसके प्रभाव से अचानक दोपहर के बाद यानी 1-2 बजे के आसपास राजस्थान के पश्चिमी जिलों से लगाकर उत्तरी जिलों तक आपको घने बादलों का जमावड़ा देखने को मिल सकता है। एक हाई प्रेशर की बात करें तो वर्तमान में एंटी साइक्लोन के रूप में लगातार बंगाल की खाड़ी के तटीय भागों के आसपास बना हुआ है, जिसके प्रभाव से इन क्षेत्रों से लगातार नमी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में पहुंचती हुई नजर आ रही है। आज सुबह से ही राजस्थान के गुजरात से सटे इलाकों में यानी उत्तरी गुजरात के आसपास कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। एक कमजोर WD उत्तरी हिमालय क्षेत्रों के करीब पहुंच चुका है, जिसके प्रभाव से उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में भी आज शाम को यानी कल 7 मार्च के आसपास देखा जाए तो इन क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज बारिश की गतियां कई इलाकों में देखने को मिलेगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सुरू, झुंझुनू से लगाकर नागौर के कई इलाकों तक और बीकानेर, जैसलमेर के कई इलाकों में तो आज शाम को ही बारिश की गतियों के साथ साथ कहीं के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और घने बादलों का जमावड़ा शुरू होते हुए दोपहर के बाद से इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। राजस्थान के किन किन इलाकों में होने वाली बारिश की गतियाँ, ये जानकारी आपको वीडियो के आगे दी जाएगी, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, वर्तमान में देखा जाए तो संपूर्ण भारत में किस प्रकार की सैटेलाइट इमेज बनी हुई है। सैटेलाइट इमेज के माध्यम से समझेंगे कि वर्तमान में राजस्थान सहित संपूर्ण भारत के किन किन इलाकों में आपको बादलों की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। बादलों की गतिविधियों की बात करें तो राजस्थान के बिल्कुल उत्तरी गुजरात से सटे इलाकों में आज सुबह हल्के बादल देखने को मिल रहे हैं, परंतु दोपहर के बाद से ही देखा जाए तो संपूर्ण भारत का राजस्थान का मौसम आपको प्रभावित होता हुआ नजर आएगा और घने बादलों का जमावड़ा देखने को मिल सकता है। मुख्यतः देखा जाए तो आज राजस्थान के किन किन जिलों में कब बारिश की गतियाँ होने वाली हैं। राजस्थान की बात करें तो आज राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में दोपहर के बाद से ही मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। सुबह जो गुजरात से सटे इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में आज सुबह से ही बादल देखने को मिल सकते हैं, परंतु दोपहर के बाद जैसे ही 1-2 बजे के आसपास देखा जाए तो संपूर्ण राजस्थान के कई दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में आपको बादलों का जमावड़ा शुरू होते हुए देखने को मिलेगा और कहीं कहीं इलाकों में मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतियाँ तो कहीं कहीं इलाकों में तेज अंदर के साथ गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। ये गतिविधियां 8 मार्च तक संपूर्ण राजस्थान के इलाकों में देखने को मिलेगी, क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो पश्चिमी जैरदारा के सारे संपूर्ण राजस्थान के इलाकों पर पर्याप्त मात्रा में नमी पहुंचती हुई नजर आ रही है। इसी नमी के कारण देखा जाए तो राजस्थान के कई इलाकों में आपको बारिश की गतियों के साथ साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सुरू, बीकानेर से लगाकर सीकर, नागौर, जयपुर, दौसा, टोंक, अलवर, भरतपुर के आसपास की बात करें तो इन क्षेत्रों में भी आज शाम से कई इलाकों में बादलों का जमावड़ा शुरू होते हुए देखने को मिलेगा और कल यानी 7 मार्च को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सुरू, झुंझुनू के कई इलाकों में भी मध्यम से तेज बारिश की गतियां कई इलाकों में देखने को मिलेगी। 20-20 में कई कई इलाकों में मौसम इन क्षेत्रों में शुष्क भी रह सकता है, परंतु ज्यादातर इलाकों की बात करें तो घने बादलों के साथ साथ कहीं की हल्की बारिश की गतियां इन क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी। नागौर, सीकर से लगाकर झुंझुनू, अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर के इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 7 मार्च को बात करें तो जैसलमेर से लगाकर बाड़मेर, जालौर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली, जोधपुर, नागौर के कई इलाकों में भी मध्यम से तेज बारिश की गतियां देखने को मिलेगी। आज दोपहर के बाद से भी इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं हल्की से तेज तो अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली के आसपास भी आपको हल्के बादलों का जमावड़ा देखने को मिलेगा और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतियां इन क्षेत्रों में भी शुरू होते हुए देखने को मिलेगी।
उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग की बात करें तो इन क्षेत्रों में 6, 7 और 8 मार्च की बात करें तो संपूर्ण राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की गतियों के साथ रहने की संभावना है। 8 मार्च के बाद ही मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और कहीं कहीं मौसम मुख्यतः साफ देखने को मिलेगा और हो सकता है 8 मार्च के बाद राजस्थान के कई इलाकों में आपको तापमान में वृद्धि देखने को मिले और कई इलाकों में गर्म हवा भी चल सकती है। 12 मार्च के बाद संपूर्ण राजस्थान में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और कई इलाकों में तेज अंधड़ के साथ तूफान जैसी गतियां देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों मौसम तक राजस्थान DRT चैनल पर अब के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने चैनल मौसम तक राजस्थान DRT को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।